यशोदा तेरे लालानी मेरे क्यों भैया 9 साल आए 19 साल तक जय भागवत करवाए रहे थे कौन कीर्तन बोल रहे हैं अच्छा नहीं हमें जाने का जो टुकड़ियों दिखाई दे रही बहुए हैं तो कहने पे मैं के भागवत नहीं सुनी हुई है गाले मां तो बेलो गाले देखो अगर हमसे बुराई है तुम्हारी या हमसे नाराज हो तो तुम बनी रहो हमें कहे भी है तुम्हारे घर का लेकिन भगवान से बुराई काहे को बांधे हो भगवान से बुराई न बनाओ क्योंकि भगवान हम अकेले को तो है ना भगवान तो तुम्हारो को सबको है और कुल तो जय सोचते हुए कब तो पैसा लेता सो चिल्ला धंगा का भीम चिल्ला जो बात ठीक है लेकिन भगवान को ना प्रेम इसलिए भगवान बहुत पैसा वालू करती है याद रखना हमारे कहने से आप एक बार दिल से भगवान को याद करके देख लीजिए तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे जो लोग प्रेम से आत्मा से प्रभु को याद करते हैं भगवान उनकी पुकार को जरूर सुनता है आप भक्त नरसी को देख लीजिए कछु हथो फटे कपड़न के अलावा भगवान के ऊपर केवल उन्हें भरोसा था और ऐसो भरोसा थोड़ू तो आए जाए तो ठीक रहे ना तो कोई मतलब कहा उन्हें विश्वास था कि भगवान आएंगे और भगवान को आना पड़ा याद रखना बैठे गुजराती सेठ के लिख रहे नरसी को पाती है कितनी महंगी महंगी चीज लिखी और कन्हैया ने आए के जो है पूरे सिरसागढ़ को भात पहराए तो हुंडन की वर्षा करवाई दी भगवान के प्रति प्रेम सच्चा होना चाहिए याद रखना लोग भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आए दुख आए तो तुम अपने परिवार वालों के सामने अपने गांव वालों के सामने अपने रिश्तेदारों के सामने कभी रोना नहीं न परिवार वालों के सामने रोना न गांव वालों के सामने रोना और न अपने रिश्तेदारों के सामने रोना ये तुम्हारी बड़ी हंसी बनाएंगे याद रखना उतने समय तो कुछ नहीं कह देंगे ठीक है लेकिन बाद में तुम्हारी मजाक बनाएंगे ये बात लिख लेना अगर मैं झूठ कह रहा हूं तुम्हारे गांव वाले परिवार वाले